हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास सिक्स। यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडीइंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 12.2 इन विच वी हैव कंप्लीटेड फाइव क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी हमें निम्नलिखित एंगल्स का क्या बताना है, टाइप बताना है, ठीक है ना, यानी कौन कौन से एंगल हैं। जैसे बच्चों सिक्स का फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे नोटबुक में, तो सिक्स का फर्स्ट है स्टूडेंट, यानी हमें इस तरह से एक एंगल दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया है बच्चों। तो हमें बताना है कि ये एंगल, यानी इस एंगल का टाइप क्या है, ये किस टाइप का एंगल है। तो बच्चों ये किस टाइप का एंगल है, बच्चों ये क्या है, देखो अगर ये इस तरह से सीधा होता तो 90 का हो जाता, राइट एंगल हो जाता, लेकिन ये क्या है, झुका हुआ है, नहीं 90 से कम है, तो जो 90 से कम वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो इसका नाम लिख देंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाला हमें क्या दिया है, सेकंड हमें इस तरह से दिया है बच्चों, तो ये इस तरह से एंगल दिया है, क्या 90 का है, नहीं है, यानी सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है, इस तरह से इसमें साइन होता है 90 के एंगल में, ठीक है। तो यानी ये किसका है, हमारा 90 का है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, इसे कहेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद कुछ एक एंगल और बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, 90 से कुछ ज्यादा हो रहा है, देख सकते हैं 90 से ज्यादा हो रहा है, और 180 से तो कम है ही, ठीक है। तो ये किस तरह का एंगल है, ये है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो एंगल क्या होता है भाई, 90 से बड़ा, 180 छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद देखें ये थर्ड हो गया है, फोर्थ देखें, अब फोर्थ में हमें एक एंगल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये कौन सा एंगल है बच्चों, ये स्ट्रेट एंगल है, ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता होगा, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल, कौन सा है ये, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है फाइव, तो हमें ये इस तरह से दिया है बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, 180 से ज्यादा हो रहा है ना बच्चों, 180 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो लिख सकते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद हमें बच्चों एक और दिया है, और ये तो सबसे इजी है, यानी हमें दे रखा है यहां से चला ये और यहीं आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है, ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीट एंगल है, क्या बोल देंगे इसको, कंप्लीट एंगल, एक राउंड पूरा कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले, इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीट एंगल हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स हूज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। तो जो हमें कुछ एंगल के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, तो हमें उनको क्लासिफाई करना है, क्या करना है, क्लासिफाई, वर्गीकरण करना है। जैसे बच्चों 40 डिग्री का एंगल होगा, 40 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, यानी 40 डिग्री एंगल हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल, 81 डिग्री क्या कहलाता है, तो 81 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है बच्चों, अब 81 क्या हो गया, 81 तो हमारा किससे ज्यादा हो रहा है, तो जीरो से ज्यादा है, लेकिन 90 से कम है, तो ये एक्यूट हो गया। 139 क्या होगा बच्चों, 139 क्या होगा बच्चों, हमारा 139 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट है, देख के बचा सकते हैं, और ये क्या है, 181 है, यानी ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, 215 रिफ्लेक्स एंगल, 0 डिग्री एंगल, 95 इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, 180 इसका मतलब स्ट्रेट एंगल, 179 ऑब्ट्यूज, एक्यूट एक्यूट कंप्लीट, 90.5 90 से ज्यादा हो गया, चाहे 0.5 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा एंगल है, ये 90.5 वाला हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा बताइए, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज, और ये भी हमारा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई कर देते हैं बच्चों, तो पहले मैं लिखता हूँ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में कौन कौन आएगा वो राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेवन का देख लें, पहले मैं लिखता हूँ एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स में कौन कौन आएगा, 40 डिग्री आएगा, 81 डिग्री आएगा, और क्या आएगा बच्चों, और इसमें 30 डिग्री आएगा,
और आएगा 15 डिग्री। ये सब हमारे एक्यूट है। उसके बाद बच्चों ओबट्यूज की बात कर लो। ओबट्यूज में लिख दो ओबट्यूज एंगल्स, ठीक है। ओबट्यूज एंगल्स कौन कौन से होंगे तो मैं लिख देता हूँ बच्चों। ओबट्यूज में होगा यानी 139 होगा, और क्या होगा, और इसमें 179 भी दिया है, तो 179 भी ओबट्यूज है। और बच्चों इसमें दिया है 90.5 भी ओबट्यूज है, और 128 भी क्या है, ओबट्यूज है, ठीक है। ओबट्यूज भी हमने लिख दिए हैं। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे राइट एंगल। क्या लिखेंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल तो एक ही है 90, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल्स लिख देता हूँ मैं। तो रिफ्लेक्स एंगल बच्चों कौन कौन सा दिया है इसमें, 181 हो गया है, और 215 हो गया है, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल दिया है इसमें, स्ट्रेट एंगल भी दिया है, तो स्ट्रेट एंगल लिख लेते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल तो एक ही है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीट एंगल। क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल क्या है बच्चों, इसमें 360 डिग्री दिया है, और जीरो एंगल भी दिया है, तो जीरो एंगल भी लिख देते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इनका क्लासिफाई कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, कंटिन्यू योर वर्क।